गाजियाबाद पुलिस के नए एसएसपी आते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। ज्वाइनिंग के ठीक दूसरे दिन दो एनकाउंटर हुए हैं। पहला एनकाउंटर विजयनगर इलाके में शाम के वक्त हुआ है, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पकड़ा गया। लेकिन रात होते होते दूसरा एनकाउंटर इंदिरापुरम इलाके में हुआ, जहां पर बाइक पर भाग रहे दो बदमाशों का पुलिस ने पीछा किया। यह बदमाश चैन छीन कर भाग रहे थे। बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया और जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इन मुठभेड़ में एक पुलिस कर्मी और एक बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, क्या है पूरा मामला? आज एक मोटरसाइकिल पर दो बदमाश रामप्रस्थ का जो रेड लाइट चौराहा है, उससे एक महिला की चैन छीन कर भागे थे। इसकी सूचना प्राप्त हुई और ये जब बदमाशों का पीछा किया गया तो उनके एलिवेटेड फ्लाईओवर के नीचे रास्ता घिरा देखकर बदमाश मतवाजों की मोटरसाइकिल फिसल गई। उनके द्वारा पुलिस ने फायरिंग किया, जिसमें एक रवि चौधरी नाम का हमारा कांस्टेबल है, उसकी गोली लगी और पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में बदमाश की भी गोली लगी है। और ये बदमाश जहांगीराबाद का रहने वाला है और इसके ऊपर लगभग एक दर्जन मुकदमे हैं। इसके पास से तमंचा बरामद हुआ है, तो भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं और इसकी मोटरसाइकिल बरामद हुई है। सर, अपराधिक इतिहास की बात करें, देखिए इसके ऊपर आसपास के जो हमारे जनपद का है, बुलंदशहर के जनपद के और आसपास के जनपद के इसके ऊपर मुकदमे हैं। इसके द्वारा एक लगभग 26 तारीख के आसपास एक वारदात की गई थी नीतिखंड में, जिसमें लूटपाट की घटना की गई थी और उसमें दंपति से इन्होंने पैसे भी लूटे थे और उस कार पर फायर भी किया था। तो ये बहुत ही शातिर बदमाश है और आज ये पुलिस क्रैकडाउन में घायल हुए। सर, 6 घंटे दो पुलिस मुठभेड़, क्या कहेंगे जनपद में बदमाशों का जवाब इसी तरह दिया जाएगा? देखिए पुलिस अपना काम करती है और पुलिस बदमाश जब भी कोई वारदात करेंगे, पुलिस 3 दिनों विजिबिलिटी बढ़ी है, पुलिस की चेकिंग बढ़ी है और जब चेकिंग बढ़ती है तो बदमाश निश्चित रूप से फंसता है। और यदि बदमाश इसी तरह कोशिश करेगा हमारे क्षेत्र में आने की, तो निश्चित रूप से उसे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।